आधुनिक भारत में संचार क्रांति के जननायक पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 74वीं जयंती नाहन कांग्रेस भवन में मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर मिठाइयां बांटी। इस जयंती पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनकी याद में पौधारोपण का आयोजन भी किया। कार्यक्रम में कांग्रेस सेवा दल NSUI स्मिथ युंका द्वारा आज के कार्यक्रम में भाग लिया गया। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के सचिव OP ठाकुर ने कहा कि राजीव गांधी मात्र 40 साल की उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने देश में कंप्यूटर शिक्षा की शुरुआत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। आज देश में जो संचार की क्रांति हुई है उसका श्रेय राजीव गांधी को जाता है। नाहन कांग्रेस भवन में जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने, युवा कांग्रेस और NSUI के सेवा दल, सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमारे लोकप्रिय पूर्व प्रधानमंत्री श्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 75वीं जयंती मनाई। और इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारत वर्ष के प्रति जो राजीव गांधी जी का योगदान है उसको याद किया, उनको पुष्प अर्पित किए और जो देश के युवाओं को 18 वर्ष का जो मताधिकार राजीव गांधी जी ने दिलाया, देश के अंदर जो IT की क्रांति को आगे बढ़ाया गया, देश के अंदर TV को लाया गया, तो आधुनिक भारत के निर्माण में राजीव गांधी जी का एक बहुत बड़ा योगदान है। और हम सभी कांग्रेस के लोग उनको आज नमन करते हैं आज उनकी जयंती पर और उनको पुष्प अर्पित सभी कार्यकर्ता। एंड स्टार न्यूज़ के लिए नाहन से राकेश नंदन की रिपोर्ट।